Hello everyone, welcome back to my channel Love with Mathematics. Today onwards I am going to start with the syllabus of 9th also, and the book I am going to start is Revised Concise Mathematics, and it is by Selena Publications. The syllabus I am going to start, it is the syllabus of some particular school, but slowly I will cover the whole book. And aaj se jo hum chapter start karenge, that is chapter number 7, Indices or Exponents. बेटा ये जो चैप्टर है ये आप सेवन्थ से पढ़ते आ रहे हो, सेवन्थ में पढ़ा, देन इन एट्थ, देन नाउ इन नाइन्थ ऑल्सो. सो होपफुली आपको पता होगा कि इंडेसिस किसे कहते हैं. नहीं पता, इट्स ओके, बट आपने इसको देखा है, यू आर फेमिलियर विद दिस. इंडेसिस मीन्स यू कैन से पार, पावर, किसी भी नंबर की पार. सपोज आई हैव 2^7. So this number, this is called base and this is called power, means power, index. Singular hai toh hum index bolte hain, when it is plural then we say indices, or you can say exponent. But main jab bhi bolungi aap zyadatar power hi sunoge mere muh se, तो ये वर्ड मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करूँगी, बट स्टिल आपको तो पता होना चाहिए बिकॉज चैप्टर का नाम ही इंडिसेस और एक्सपोनेंट्स है. क्लियर? बट बिफोर स्टार्टिंग विद इट थोड़ा सा बताती हूँ कि जैसे मैंने सपोज ले लिया 2^3, अब तो पता चल गया ये बेस है, ये पार है. क्लियर? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जितनी उसकी पार दी हुई है ना नंबर की, द नंबर विल गेट मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ नंबर ऑफ टाइम्स द पार इट हैव. क्लियर? जितने इसके ऊपर पार है उतने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करो. 2^4 / 8 इज द आंसर. ये आपने सारा बेसिक करा हुआ है, बट स्टिल एक बार हम इसको रिकॉल कर रहे हैं. 3^ चलो 4 हो गया. 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81. Like this. Hopefully it is clear and you got it how we are doing. Before starting with the exercise, उसके पहले हमारे पास कुछ laws आते हैं, laws of exponents, we can say laws of indices, you can say. इसके बिना आपके सामने चलेंगे जी, ये आपको करना पड़ेगा, laws आपको आने चाहिए, पहले करे हुए हैं, ये भी बस recall ही हो रहा है. If you are having numbers who is having same base, ये base same है, and number multiply में पार क्या है doesn't matter, base same होना चाहिए, तो number multiply में है, तो हम क्या करते हैं, write the base ones and add the powers, solve हो जाएगा. जैसे कि 2^3 × 2^5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, base को एक बार लिखना है, 2 को लिखिए एक बार, और मल्टीप्लाई में तो नंबर्स क्या हो जाएंगी, पार्ट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, 3 + 5 = 8, ऐसे हो गया. सेकेंड लॉ इज अगेन, इफ द बेस इज सेम, थोड़ा गला ख़राब है बेटा, एडजस्ट करना हो जाएगा एक दो दिन में ठीक. इफ द बेस इज सेम एंड नंबर आर इन डिवीजन, राइट द बेस वंस, सब्ट्रैक्ट द पार्स. सपोज इट इज लाइक दिस, राइट द बेस वंस, सब्ट्रैक्ट द पार्स. आगे इवैल्यूएट करना है तो आप सबको मल्टीप्लाई करके इवैल्यूएट कर सकते हो. ऐसे 2 × 4 = 4, 4 × 8 = 8, 8 × 16 = 16, 2 × 32. थर्ड इज इफ यू आर हैविंग नंबर हैविंग पार एम. इन द प्रीवियस लॉज व्हाट वी आर डूइंग, देयर वाज ओनली वन पार गिवन. इफ यू आर हैविंग पार ओवर द पार, एक ही नंबर पे दो पार्स आ गई, पार ओवर द पार,
तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये लॉज आपको याद रखने ज़रूरी हैं बेटा, इसके बिना आपका नहीं होगा सम वगैरह कोई भी। नेक्स्ट, इफ समथिंग रेज पार इज़ ज़ीरो, इफ समथिंग रेज पार इज़ ज़ीरो, आंसर विल ऑलवेज बी वन। चाहे ये तो मैंने सेवन लिया, कुछ भी है नंबर, कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर है, प्लस में है माइनस में है, जैसे मर्जी हो, इफ समथिंग रेज पार इज़ ज़ीरो, आंसर विल ऑलवेज रिटर्न वन। क्लियर? अब यहाँ पे इनको याद कैसे रखना है, थोड़ा सा इसके साथ रिलेट करके आप याद कर सकते हो। ये जो डिवाइड का साइन है ना, इट इज़ सिमिलर टू नेगेटिव साइन। तो जहाँ पे डिवाइड है, बेस सेम है, डिवाइड है, वहाँ पे माइनस करना। मल्टीप्लाई का साइन जो है वो मैच करता है प्लस से, मल्टीप्लाई है वहाँ पे पार्ट्स को प्लस करना, बट कंडीशन ये है कि बेस सेम होना चाहिए। ठीक, उसके अलावा एक और चीज़ बताती हूँ, अगर आपके पास नंबर हैं जैसे ऐसे है ओवर, चलो ये तो वही हो गया ना डिवाइड वाला, इसके अलावा चलो यहीं पे बता देते हैं, बेस सेम है डिवाइड में है, वैसे भी माइनस होने हैं, लेकिन अगर मानो ये प्रॉपर्टी नहीं लग रही हो, हमारे पास कुछ ऐसे नंबर पड़ा है, हम कह रहे हैं कि हमने इसको ऊपर लेके जाना है, नीचे नहीं रखना है, डिनोमिनेटर में नहीं रखना, न्यूमिनेटर में लेके जाना है, ले जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या हो जाएगा, जब ये नंबर ऊपर जाएगा, इसकी जो पार आपको यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रही है, ये पार यहाँ पे माइनस हो जाएगी। मतलब ऊपर से नंबर नीचे लेके आना है, नीचे से ऊपर लेके जाना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसकी पार जो है उसके आगे नेगेटिव साइन लग जाएगी। मतलब एक और इजी वे में बोल सकती हूँ, सपोज़ जैसे आपके पास है 3 raised to power -2, ठीक है, अब मैंने इसको बोला था इसको ऊपर ले जाओ, अब इसको कहाँ लेके जाएं, इसे नीचे क्या है 1। इजी वे में ये बोल रही हूँ कि आप जो टर्म की पावर दी हुई है उस टर्म को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, इसको कर दो 1/3, उल्टा कर दिया ना, इसको उल्टा दो, जैसे आप इसको उल्टाओगे, इसकी जो पावर पहले माइनस थी अब आप उसको प्लस लिखोगे। ठीक, जैसे आपके पास है 7 raised to power -5, इसको क्या लिख दोगे, नीचे क्या है 1, तो इसको क्या लिख दोगे 1/7 power 5, प्लस में, मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, वैसे बता रही हूँ। ओके जी, 8 raised to power या फिर 1/8 power -5/2, अब इस पार को आपने पॉजिटिव करना है, तो आप क्या करोगे, उल्टा दो इसको, 8/1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास आ जाएगा 5/ power क्या हो गई, पॉजिटिव। दैट्स डन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टिल दैट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल लव विद मैथमेटिक्स। थैंक यू।